नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और ये मेरा बेटा है आदिश। इसका नाम आदिश है। गरीब अमीर में यही फ़र्क होता। दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आ अनाया लर्न एंड फन, और उस पे हम वीडियो डालते हैं, अपने बेटी के साथ स्टोरी सुनाते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो डालते हैं। उस चैनल पे व्यू मतलब ना के बराबर 30-20 व्यू आता है। जी हाँ, और चैनल काफ़ी पुराना है, बहुत दिनों से इस पे वीडियो डाल रहे थे, लेकिन 3-4 एक वीडियो हम डाले थे जिसमें मनोज डे का मतलब कि फेस था बैनर पे, और वहाँ पे मैंने वह कैप्शन दिया था, मतलब थंबनेल में लिखा था कि भाई इतना जल्दी कैसे, और वहाँ पे आदिश का फ़ोटो था और साइड में मेरा भी फ़ोटो था। तो दोस्तों, वो वीडियो जहाँ पे मेरा व्यू 30-20 जाता था हर दिन, 10-4 ऐसे पे अटक जाता था, वो वीडियो पे व्यू करीब करीब मतलब कि 150 से 200 आ गया सडनली। तो दोस्तों, यही होता गरीब और अमीर व्यक्ति में कि जब अमीर गरीब आदमी कितनों मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, उस पर व्यू नहीं आता। और लोग जनता भी इसी टाइप के हैं कि मतलब कि जो फेमस होता हो जाता है उसको और लोग फेमस करने के लिए तड़पते हैं, और जो बेचारा गरीब होता है, गरीब होता है जिसको कोई नहीं जानता है, उसके वीडियो उसको वीडियो पे व्यू भी नहीं आता। क्योंकि मेरे बारे में आप लोग को पता है दोस्तों कि मैं एक छोटा सा शॉप चलाता हूँ, दुकान चलाता हूँ, और उसी से मेरा जीविका चलता है, जहाँ पे 400-500 रुपया हर दिन हम कमाते हैं, और 400-500 में 200-300 रुपया, 150 रुपया तो किराया ही चल जाता है, और 50 रुपया आने जाने का पेट्रोल लग जाता, मतलब 100 से 150 रुपये में मेरा जीविका चल रहा है फ्रेंड्स। और मैं काफ़ी ज़्यादा कह लूँ कि परेशानी में हूँ, क्योंकि मैं चाह करके भी मैं कुछ नहीं कर सकता। और YouTube एक सहारा था, इससे पहले मेरा एक और चैनल है cardcoolish.com, वो सहारा था जहाँ से मुझे हर दिन का मतलब कि 150-200-300 रुपया आ जाता था, और महीने का वही करीब 7-8 हज़ार रुपया यूट्यूब से आ जाता था, यानी $100 होता था और उसको विड्रॉल कर लेते थे। लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम जब मनोज डे का वीडियो थंबनेल जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले है दिखा देता हूँ, वो थंबनेल मैंने डाला था, और डालने के बाद वीडियो पे व्यू आ गया। आई होप बड़े लोगों को लोग मतलब और ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। यही 20 वीडियो से सीख मिला मुझे फ्रेंड्स कि आदमी को फेमस होना कितना ज़रूरी है, बड़ा आदमी होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बिना बड़ा आदमी हुए आपका ना तो फैमिली से खुश रह सकता है, और नहीं आपका बाल बच्चा खुश सकता। इसलिए फ्रेंड्स, जी तोर से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, तभी आपके आपको लोग जानेंगे और आपके फैमिली के अच्छा सपोर्ट करेंगे। नहीं तो जिस तरह से आप मेरा और ज़िंदगी और आपके मम्मी पापा का गुजरा है उसी टाइप से गुजरेगा। अभी देख लीजिए मनोज डे की, देख लीजिए कि अच्छा उनका चल गया है सब कुछ, और डेली के नहीं 50,000-1,00,000 रुपया वो कमा लेते हैं, एक स्पॉन्सरशिप से करीब 3 से 4 लाख रुपया ले लेते हैं। और एक समय ऐसा था फ्रेंड्स कि जब मेरा यूट्यूब चैनल था उस समय उनका ना के बराबर था, उस समय वो वीडियो बनाते थे मनोज गेमिंग करके, उस समय उनका व्यू ना के बराबर था करीब, और लेकिन सडनली क्या हुआ उनका वीडियो चल गया। एक दो वीडियो देखिए, यूट्यूब पे सक्सेस होने के लिए एक दो वीडियो ही काफ़ी होता है, एक दो वीडियो सक्सेस हो जाएगा फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप भी यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहते हैं तो देखिए लोगों को, देखिए कैसे सक्सेस हो रहे हैं और कैसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और उनका चैनल पे एक बार व्यू आ जाता है उसके बाद में उनके व्यू की लड़ी लग जाता है, और फिर नॉन स्टॉप व्यू आते रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप, देखिए मेरा बेटा है, इसका नाम आदिश है, और जो कैप्शन में मैं डाला था मनोज डे भाई इतना जल्दी कैसे, उस पर बहुत सारा व्यू आया, और ये थंबनेल देख करके भी शायद आप आए होंगे, इसके लिए सॉरी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कीजिएगा, व्यू पाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो अगर नहीं डालेंगे फ्रेंड्स तो वही 2-4 व्यू आएगा। और मुझे अभी वॉच टाइम, इस चैनल वॉच टाइम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो गेन हो गया था, क्योंकि बहुत पुराना चैनल है, सारा सब्सक्राइबर जितने हैं सब डेड हो गए हैं, इस पर डेड हो गए हैं, उसे व्यू आता ही नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।